जम्मू कश्मीर पुलिस ने नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस ने जिला कुपवाड़ा में एनडीपीएस के एक मामले में जमानत पर छूटे दो आरोपियों पर निगरानी रखने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उनके पैरों में जीपीएस ट्रैकर एंकलेट लगाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार एसपी कुपवाड़ा जीएम भट्ट और एसएचओ कुपवाड़ा इंस्पेक्टर इशाक के नेतृत्व में कुपवाड़ा पुलिस की टीम ने एनडीपीएस मामले में आरोपी अब्दुल मजीद भट्ट और अब्दुल अली भट्ट के जमानत पर छूटने के बाद नशीले पदार्थों के दोनों तस्करों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करते हुए इन दोनों के पैरों में जीपीएस ट्रैकर एंकलेट लगाए हैं। कुपवाड़ा पुलिस ने आज दो एक्यूज्ड पर्सन जो एनडीपीएस केसेस में इन्वॉल्व है उनकी निगरानी के लिए एक सिस्टम स्टार्ट किया है जिसको कहते हैं जीपीएस बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें जो एक्यूज्ड पर्सन है एक का नाम है आबिद अली भट्ट सन ऑफ अली मोहम्मद भट्ट और वो बहीपुरा कुपवाड़ा और जो दूसरा पर्सन इसका नाम है अब्दुल मजीद भट्ट सन ऑफ अली मोहम्मद भट्ट और वो कुनन पोशपुरा है। ये दोनों पर्सन जो है ये केस एफआईआर नंबर 283 2022 का केस है जो कि पीएस कुपवाड़ा में रजिस्टर हुआ था। इन दोनों पर्सन की अब मॉनिटरिंग जो है वो हम थ्रू जीपीएस बेस्ड जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसके थ्रू करेंगे। दोनों पर्सन जो है बेल आउट हुए हैं और जहां जहां पे भी जाएंगे इनकी हम कंटिन्यूसली सर्वेलेंस रखेंगे। सर पुलिस की ये जो नया इक्विपमेंट आया है जीपीएस एंकलेट ये क्या है सर? ये एक हाईटेक सर्वेलेंस सिस्टम है जिसमें हम एक्यूज्ड पर्सन को एक एंकलेट पहनाते हैं। उस एंकलेट के थ्रू जहां पे भी जाएंगे हम उनकी सर्वेलेंस रख रहे हैं कि अगर तो जहां पे भी जाएंगे हम उनकी सर्वेलेंस रख रहे हैं और अगर ये हमें लगेगा कि इनकी मॉनिटरिंग में हमें ये लगेगा कि इनकी जो एक्टिविटी है वो सस्पिशियस है तो उस वक्त हम इनकी सस्पिशियस है जिसमें ये इन्वॉल्व फिर से किसी ड्रग ट्रेड में हुए हैं ताकि वो हम उसमें उस वक्त मौका रखते ही कार्रवाई स्टार्ट करें। पर आज इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ये जो जीपीएस एंकलेट है। बिल्कुल, ये हमने पहली बार यहाँ पे आज स्टार्ट किया है और जो हमारे एक्यूज्ड पर्सन है जो भी एनडीपीएस केसेस में है आगे आने वाले वक्त में हम उनके अगेंस्ट भी यही कार्रवाई स्टार्ट कर रहे हैं। जो मुंशियात का जो बिद्दत है ये इसका खात्मा हो तो इसमें कितनी मदद आप लोगों को हासिल है? डेफिनेटली इससे एक बड़ा हमें लीप मिलेगा इनकी मॉनिटरिंग करने में सर्वेलेंस रखने में और अगर ये फिर से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इनको वक्त रहते ही फिर से दर लेने के लिए तो कुपवाड़ा पुलिस का यही मोटिव है कि जो भी लोग ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व है चाहे पेडलर्स हो स्मगलर्स हो या ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाएंगे चाहे जीपीएस ट्रैकिंग की बात हो या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है जो उन्होंने इलीगल तरीके से बनाई है उसको अटैच करने की बात हो या उनके अकाउंट जो हमको फ्रीज करने की बात हो ये सब कार्रवाई उनके खिलाफ हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका हमने ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया है। बस।